हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये नया वीडियो में आपका बहुत सारा स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों स्केच ओयर प्रो का प्रोजेक्ट फाइल है फैब बटन्स को लेकर के, इंटरेस्टिंग यूआई डिजाइन के साथ दोस्तों जो है ना फैब बटन्स को बनाया गया है। काफी कमाल का प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको एकदम कंप्लीट जानकारी मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को स्टार्ट मारते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम क्रेडिट दे देते हैं। आप जो है ना दोस्तों, इन्हें सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा ये वाला प्रोजेक्ट फाइल के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट एनिमेटर का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं जो है ये एनिमेशन के साथ दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं दोस्तों। ज़बरदस्त प्रोजेक्ट फाइल है, आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है ना आप इमेज वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मेन है वो है होम पेज में ये फैब, ये भी दोस्तों एनिमेशन के साथ बनाया गया है। पूरा कंप्लीट मेनू है दोस्तों, ठीक है। आप इसका पर क्लिक करेंगे तो ये फैब का मेनू निकल के आएगा दोस्तों, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। और यहाँ पर रिसाइकलर व्यू में जो है आपका एग्जाम्पल बताया गया है दोस्तों। और बाकी ज़्यादा समझने के लिए दोस्तों, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट फाइल दोस्तों मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले दोस्तों, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप करके दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा। और ये वाला प्रोजेक्ट फाइल दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, चेक कीजिएगा। ये प्रोजेक्ट फाइल का डाउनलोडिंग लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करके दोस्तों आप चेक कीजिएगा, स्केच ओयर प्रो में आप रिस्टोर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपका हेल्प करूँगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने जो है ये प्रोजेक्ट फाइल को सक्सेसफुली दोस्तों इंस्टॉल कर लिए हैं। हम अभी इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ना आप यहाँ पर फोटो वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है दोस्तों, आप इसमें से नेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया, चला गया ये दोस्तों। ये तो आप स्किप भी कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों रिसाइकलर व्यू का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर कॉर्नर में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका फैब मेनू। पूरा एनिमेशन के साथ दोस्तों ये जो है बनाया गया है, आप दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों, इसमें जो है क्लिक इफेक्ट भी दोस्तों जो है ना डाला गया है। सॉरी, तो आप जो है दोस्तों इजीली ये एक्टिविटी को आप समझ जाएंगे दोस्तों, अगर आप ये वाला प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करके चेक करते हैं तो, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना कस्टम ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये जो कोडिंग है मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो ये जो कस्टम ब्लॉक्स अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आप जो है ना यहाँ से इस कोडिंग को फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप देखिए ये पूरा कोडिंग है, आप इसे दोस्तों जो है ना फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो कस्टम ब्लॉक्स है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों। आप जो है ना इसका कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका कोडिंग है दोस्तों। आप इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी दोस्तों आप देखिए, देख लीजिए, आप देख करके लिख भी सकते हैं। कॉपी करके दोस्तों आप जो है ना यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप जो है ना पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आप पेस्ट करके इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, तो दोस्तों एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको ये कस्टम ब्लॉक्स जो कुछ भी है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया है,
ओके दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कस्टम ब्लॉक्स तो कॉपी हो जाता है लेकिन उसका पीछे का जो कोड है ना वो कॉपी नहीं होता है। आपके पास वो कस्टम ब्लॉक्स होना चाहिए तभी जाके उसका कोड भी कॉपी होता है दोस्तों। ये एक एरर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।